देख लीजिए ना भैया, बहुत धूप बोल रही है, आप सब थक भी गए होंगे, कब से बैठे हैं यहाँ, कितने बजे से बैठे हैं, सुबह से एक दो घंटे तो हो गए होंगे। धन्यवाद आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, और मैं भी आपकी बातें सुनना चाह रही थी। अच्छा बोलेगा कोई नहीं, पावन धरती है, मंदाकिनी मैया की धरती है, सीता माता की धरती है, माता अनुसुईया की धरती है, बुंदेलखंड की धरती है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी मजबूत सक्षम महिला सैकड़ों साल पहले अपनी लड़ी, जानकारी बाई भी उसी का प्रतीक है जो हम आज कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कहा, जब से आप पैदा हुई तब से आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई ना कोई संघर्ष आपके सामने आया, आपने मजबूती से वो लड़ाई अपने लिए लड़ी। तो हर महिला अपने जीवन में संघर्ष करती है और लड़ती है, ये हम सैकड़ों साल से देखते हैं। अपने समय में जैसे मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई जी अपने लिए लड़े, अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए वो लड़े। आज जब आप खेतों में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, पाठशालाओं में पढ़ाती हैं बच्चों को, यहाँ मेरी आंगनबाड़ी की बहने हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मंत्री की बहने हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप सब एक तरह से अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहनों के लिए लड़ रहे हैं। आप ये दिखा रही हैं कि आप मजबूत हैं, आप कुछ करके दिखा सकते हैं। आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, आप सब जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करते हैं। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि दो किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा और दो किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई, उनके घर गई तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माता जी थी, कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे, खाद की लाइन में खड़े खड़े ना खाना मिला ना कुछ मिला, घर नहीं आ पाए थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर खाद लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगा, अच्छी बारिश आएगी। पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी कोई थोड़ा संघर्ष करें, संघर्ष करते करते वहाँ पर उसकी किसी भी, जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि क्यों नहीं हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो महिला के ही होती है, अब वो माँ वो बेटी अकेले अकेले क्या करे, जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो समाज, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में समय का बोझ उठा रहे हैं, 250 रुपये की सरसों का तेल मिल रहा है, सरकार कहती है एक सिलेंडर पका दो, एक मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम खत्म हो गया, आप उस सिलेंडर को भरा नहीं पा रहे। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिला है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो, आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाहती, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहती। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सब ने देखा होगा यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आपने किया है और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर
शिक्षा कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसे कहीं और जाना पड़े। बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। यहाँ आर्थिक क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, एक एक नल से 10-10 लोग पानी पी रहे हैं, 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है, उद्योगों का अभाव, रोजगारी नहीं, रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे कितना संघर्ष करके वापस आए, सरकार ने उस समय मदद नहीं की, उस समय कोई बस नहीं लाया आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो गई। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करें, देखिए ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं है। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है, उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है, करना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहाँ से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियाँ कैसे बनेंगी? एक महिला समझ सकती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगे, बाहर जाएंगे, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी में भी बनती है। इसीलिए महिला के लिए नीतियाँ बना सकते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि महिला किस तरह से संघर्ष करती है। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, अब अगर आधी आबादी है तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होगी। जो 40% भागीदारी हमने करी है वो एक शुरुआत है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं चाहेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बहुत इंतजार हो गया है। कभी ये भी कहा था, आपने सुना होगा, सुना द्रौपदी चुप रहे यार। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा आशा बहू मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले, उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने, क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा तो मुझे पति क्यों ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपना अपनी मांगों को लेकर आई थी, सिर्फ अपनी मांगों को उठा रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी। वहां आए पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार कर लेंगे,
उसने सिर्फ ये कहा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, किस आधार पर तुम उठा के ले जाओगे मुझे, और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ भी टूट गए थे, उसके चेहरे भी एकदम चेहरा एकदम सूजा हुआ था, लाल था, यहाँ पे चोटें दिखाई, यहाँ चोटें दिखाई। तो जब मेरे से बात कर रही थी वो मुझे बता रही थी कि जैसे आपने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा, आपका अभी तक मानदेय बढ़ाया नहीं जाए, वो सिर्फ अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। वो कह रही थी कि जब से कुछ सालों से जब वो काम करने के लिए जाती भी है तो इसे जैसे उनको अगर कुछ मिलता है काम करने के लिए, किसी की डिलीवरी हो गई उसमें से भी उसको उन्हें घूस देनी पड़ती है, थोड़ा पैसा उसमें से भी निकाला जाता है। तो जब आपका शोषण किया जा रहा है, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे? तो आपको हक मिलेगा नहीं मिल सकता। जो आपको जब आप अपनी आवाज उठाते हैं आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़े, वो मत करना, नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाएंगे। जैसे ये मजबूत महिला है, सब जगह जो इस मेरे से मिलने आई आशा बहुत कितनी मजबूत महिला है, बिल्कुल इसके सामने खड़े हो गए, इतना पीटा उसको, फिर भी वो मेरे साथ जब बात करने की कह रही थी मैं लड़ूंगी। तो इसी तरह से आप सबको लड़ना, और मैं यहाँ आप सबसे इसलिए बात करने आई हूँ क्योंकि मैं कहने आई हूँ कि देखिए अपना मन बना लीजिए, आप आधी आबादी हैं, हर दो जनों में से एक है, तो एकजुट होकर राजनीति में आप अपना हक क्यों नहीं मांगते? जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? जब वोट देने का समय आता है महिला खड़ी है, आंख बंद करके महिला को वोट दो, एकदम आंख बंद कर सोचो भी मत क्योंकि वो महिला तुम्हारे लिए खड़ी है। व्हाट्सएप कॉल करो, वो महिला तुम्हारे लिए संघर्ष करेगी, तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह महिला है, बहन है। तो राजनीति में आपकी भागीदारियां सुनिश्चित है, जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की है उसको कभी कोई रिवर्स नहीं कर सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। अगर इस बार 40% महिलाएं लड़ेंगी, हो सकता है कुछ महिलाएं सक्षम हो जीत जाए, कुछ महिलाएं नहीं हो जीत ना पाए, लेकिन लड़ेगी, और लड़ने से बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज में और राजनीति में, क्योंकि वही महिलाएं अगली बार फिर से लड़ेंगी, और अगली बार जब लड़ेंगी तो बहुत ही ज्यादा सक्षम होकर लड़ेंगी। और कोई ऐसी राजनीति, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उनको रोक पाएगा। सबको यही पहल करनी पड़ेगी आगे जाकर, सबको महिला का हक देना पड़ेगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये जो हमने पहल की है ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये घर की चीज नहीं है, इसमें आपका हक और आपकी लड़ाई है। ना हमने ना एक हमने प्रतिज्ञा पत्र बनाया है, इसमें हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं इस तरफ भी आ जाती हैं, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए, लेकिन इससे फायदा आपका भी बहुत होगा। पहले में वो तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा और गन्ने का किसान 400 रुपए पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं, काफी लोगों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल जरूर आ रहे हैं, तो जो बिजली के बिल है उसको सब बिलों को हम माफ कराएंगे,
व्यापारी ने जो बताया था, खास तौर से जो छोटी छोटी व्यापारी है, छोटी दुकानदार है, कोरोना काल में उनमें बिजली की बिल फिर भी भरनी पड़ी लेकिन काम धंधा बंद हो गया, तो उनके लिए हम इस तरह से वो बिजली बिल माफ कर देंगे। कोरोना की जो आर्थिक मार थी, जो सबसे गरीब परिवार है, जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित थे, जिनकी आमदनी प्रभावित थी, उनके लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 लाख सरकारी रोजगार हम बनवाएंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि 40% महिलाओं को जाए। कोई भी बीमारी हो आपको, तो कम से कम 10 लाख तक आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकार द्वारा, चाहे कोई भी बीमारी हो। जो छात्राएं बैठे हैं उनको मालूम है कि क्या है हमारी प्रतिज्ञा उनके लिए, तो किस लिए कहा है उन्होंने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए, आपको आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फोन के पास है तो कोई समस्या है आप एकदम फोन कर सकती हैं, अपने घर पर या अपन मदद करने के लिए आ सकता है। इसी तरह से जो स्कूटी की प्रक्रिया है अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, जैसे आप जैसे आपने कार की पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, इससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं हैं सब मुफ्त होंगी, सब फ्री यात्राएं होंगी। अच्छा, सरकारी पदों में जो पहले से आरक्षण के प्रावधान है उनके अंदर महिलाओं के लिए 40% होगा। इसका मतलब है कि आपको रोजगार 40% मिलेंगे, लेकिन जो पहले से प्रावधान है आरक्षण में उसके भीतर नहीं। विधवा के पेंशन, मुझे बहुत महिलाओं ने कहा कि आजकल पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है, तो विधवाओं का जो पेंशन है उसको हम 1,000 रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं। जो आशा बहू है आंगनबाड़ी उनके लिए हम 10,000 रुपये का मानदेय न्यूनतम हम देना चाहते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा और उसके अलावा जो आप डिलीवरी करने जाएंगे, जो आप काम करने जाएंगे उसके ऊपर मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में हम हर जिले में हम 75 ऐसे पाठशाला जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगे लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं लेकिन अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे, और आपको तैयार किया जाएगा कि आप अच्छे अच्छे रोजगार आपको मिल पाए और आप आगे बढ़ पाए। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए। उसको खत्म करने के
चुनाव की बहुत जरूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हमें करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की किसी भी समस्या हो बीमारों हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज्यादा होता है। इसलिए करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है क्रूरता उसको दूर करने के लिए, महिलाओं के जितने अत्याचार हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। आप सब यहाँ से जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाएं कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होंगे, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंतजार किया आपने यहाँ मेरे लिए।